गलवान घाटी के बाद एक बार फिर से चीन ने नापाक हरकत की है। हालांकि इस बार भी उसे मुंह की खानी पड़ी है। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। उसके करीब 300 सैनिकों ने तवांग सेक्टर के यांगेस में इंडियन आर्मी के कई ठिकानों पर एक साथ अटैक किया था। उसने भारतीय सैनिकों पर पत्थरबाजी की, लेकिन भारतीय सेना के आगे उसकी एक न चली और उसे वापस लौटना पड़ा। इस झड़प में चीन के 20 से ज्यादा सैनिक घायल बताए जा रहे हैं, तो वहीं आधा दर्जन भारतीय सैनिकों को भी मामूली चोटें आई हैं। हालांकि स्थिति कंट्रोल में है और सेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि दोनों देशों के कमांडर्स के बीच फ्लैग मीटिंग हुई है और तवांग में स्थिति शांत और नियंत्रित है। हमारे सैनिकों ने दृढ़ता से चीनी सैनिकों का सामना किया। चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट को हटाना चाहते थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने ऐसा नहीं होने दिया और चीन के सैनिकों को अपने कदम पीछे करने पड़े। इस बात को लेकर जहां विपक्ष देश की केंद्र सरकार से जवाब मांग रहा है, वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में आज सुबह आर्मी चीफ मनोज पांडे के साथ इमरजेंसी बैठक की है। जबकि इसी बीच 17,000 फीट की ऊंचाई पर जिस जगह इंडो चीनी सैनिक भिड़े थे, वहीं की सैटेलाइट फोटो सामने आई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि तवांग के पास चीन ने खुद को काफी मजबूत कर लिया है। उसने तवांग के बॉर्डर पर गांव बसा रखे हैं। चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर पत्थर और लाठी डंडों से भी वार किया था और उनके बीच हाथापाई भी हुई थी, तो वहीं फायरिंग नहीं चलने की बात कही जा रही है। आपको बता दें, भारत के 6 सैनिक इस झड़प में घायल हुए हैं, जिन्हें की इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की नापाक हरकत की है। सितंबर 2021 में भी उसने घुसपैठ करने की कोशिश की थी और तब भी उसके हाथ नाकामयाबी ही लगी थी। भारत और चीन दोनों ही विश्व के मजबूत देश हैं, लेकिन दोनों के ही रिश्तों में मिठास कम, तनाव ज्यादा है, क्योंकि इसके पीछे की वजह है सीमा विवाद, जिसे लेकर साल 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध भी हुआ था। दरअसल चीन इस युद्ध के बाद दक्षिण तिब्बत पर अपना हक होने का दावा करता आया है। लद्दाख के अक्साई चीन वाले हिस्सा चाइना का कब्जा है और वो इसी के जरिए भारत में कई बार घुसपैठ की भी कोशिश कर चुका है। हालांकि चीन को हमेशा भारत से करारा जवाब मिला है। देश ने साफ तौर पर चीन को बोल रखा है कि वो अपने एरिया की मजबूती के लिए हर संभव कोशिश करेगा और किसी की भी नापाक हरकत पर उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। तो आपको कैसी लगी ये खबर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइए।